हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज है संडे और अभी टाइम हुआ है 11:30 बजे का और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। हम लोग मतलब मैं, हितेश मेरे हस्बैंड और हमारे पड़ोस में एक और लड़की है, वो वैसे तो वो मैरिड है, वो आई हुई थी, तो उसका हम लोग के साथ काफ़ी अटैचमेंट है, मतलब काफ़ी अच्छी हमारा बोलचाल है उनके साथ। तो बस वो भी बोल रही थी कि हम लोग मार्केट जाएंगे। तो क्या हुआ था कि आज गाड़ी घर पे नहीं थी क्योंकि गांव में गए हुए थे बाकी घर के लोग, तो हम लोग स्कूटी और बाइक दोनों चीज़ें ही लेके गए थे। मैं और वो लड़की स्कूटी पे थे और हस्बैंड और हितेश बाइक पे थे क्योंकि। तो अभी हम लोग मार्केट में पहुंच गए हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोगों की जो शॉप्स है वो नॉर्मली वही होती है, मतलब नॉर्मली हम उसी शॉप से कपड़े लेते हैं। है? देख लो। तो इसी शॉप से हम मोस्टली कपड़े खरीदते हैं क्योंकि यहाँ पे फुल फैमिली वियर मिल जाते हैं, मतलब छोटे बच्चों के, जेंट्स के, लेडीज़ के, डेली यूज़ के, पार्टी वेयर, हर टाइप के ड्रेसेस कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम हितेश के लिए ही देख रहे थे और हितेश के लिए पहले हम सोच रहे थे कि इस तरीके का जो 3-पीस सूट आता है पार्टी वेयर वो लेंगे। और एक हमें पसंद भी आया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से वाला पसंद आया था, बट साइज़ की थोड़ा सा इशू था, हितेश को वो ठीक नहीं लगा। और ये वाला जो पीस है वो मुझे हस्बैंड को बस खोलते ही पसंद आ गया था, हमने ट्राई भी किया तो थोड़ा सा नहीं लग रहा था हमें कि उसको आएगा ये साइज़। आएगा मतलब अभी फ़िलहाल तो फिर भी आ रहा था, लेकिन अगर 2 महीने के बाद ही ऐसे कपड़े बच्चों को छोटे हो जाए तो फिर उनको लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऐसी ड्रेसेस फिर थोड़ी महंगी भी आती है, थोड़ा बच्चा पहने तो ही तसल्ली होती है, वरना अदरवाइज़ पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने वो सब कैंसिल कर दिया था क्योंकि उससे बड़ा साइज़ उसमें नहीं मिल रहा था, तो हमने फिर नॉर्मल जो जीन्स और टी शर्ट या स्वेट शर्ट्स आती है वो ली थी हितेश के लिए। तो हितेश के कपड़े देखने के बाद हम लोग गए थे ऊपर क्योंकि जो वुमेन वियर्स होते हैं वो ऊपर वाले पोर्शन में मिलते हैं क्योंकि इनके अलग अलग पोर्शन है डिपार्टमेंट टाइप के, यहाँ पे इनके छोटे बच्चों के मिलेंगे, बड़ों के मिलेंगे, जेंट्स के मिलेंगे, लेडीज़ के मिलेंगे। तो यहाँ पे हम मेरे लिए देख रहे थे। तो अब की बार मैंने सोचा था कि मैं गाउन लूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे कोई भी गाउन वगैरह लिए और मुझे बहुत सिंपल सा ही चाहिए था, मतलब जो हैवी वर्क वाले आते हैं वो मुझे कभी पसंद ही नहीं आते, तो मैंने उनको कहा था सिंपल से ही दिखाना। तो बस एक दो उन्होंने मुझे जो दिखाए थे वो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी और साथ के साथ मैं हस्बैंड को दिखा भी रही थी लगा के कि कैसा लग रहा है, अच्छा है या नहीं है, और उनका कोई भी रिएक्शन नहीं आता है चाहे मैं कितना भी पूछ लूँ, बस ऐसे बोलते हैं ठीक है, अच्छा है, देख लो ये वो। तो उनका हमेशा यही जवाब होता है, अगर अच्छा लग रहा है तो देख लो, ले लो, मतलब यही होता है, अलग से कोई एडवाइस नहीं होती है अपनी तरफ से। तो बस मेरा जो मुझे लेना था वो मैंने फाइनल कर दिया था और अल्टर के लिए भी इन लोगों को दे दिया था क्योंकि ये अल्टर भी साथ के साथ करवा देते हैं मोस्टली। तो अगर मुझे मिल जाएगा अल्टर होने के बाद तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और उसके बाद हस्बैंड देख रहे थे अपने लिए, तो मैंने उनको कहा था कोई 2-पीस 3-पीस टाइप सूट ले लो, बट उन्होंने कहा कि नहीं, सूट वगैरह मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चीज़ें चाहिए जो मैं डेली में भी बाद में पहन सकूं। तो पहले हमने उन लोगों के लिए यहाँ पे स्वेट शर्ट्स वगैरह देखी थी लेकिन उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जो कि शादी और डेली दोनों पर्पज़ को फुली मतलब कर दे। तो फिर हम यहाँ से चले गए थे। तो उसके बाद बिल वगैरह करा लिया था हम लोगों ने, जितनी भी चीज़ें ली थी वैसे यहाँ से बस मेरे और हितेश के कपड़े ही लिए थे। उसके बाद हमें कुछ वुलन्स भी लेने थे, वुलन्स मतलब सर्दी के कपड़े, स्वेटर वगैरह, तो वैसे तो इनके पास भी होते हैं लेकिन हमने सोचा कि चलो पहले यहाँ पे बहादुरगढ़ के अंदर एक तिब्बत मार्केट के नाम से एक मार्केट लगती है, मतलब वो सिर्फ वुलन के लिए ही होती है और सर्दियों में 3-4 महीने के लिए ही लगती है, जो लोग बहादुरगढ़ या उसके आसपास से हैं उन लोगों को पता होगा। तो हम लोग यहाँ आ गए थे। तो इस मार्केट में मेनली जो मिलते हैं वो वुलन्स ही मिलते हैं सर्दियों के, चाहे वो कुर्ती है, गरम टी शर्ट्स है, जैकेट्स है, स्वेटर है, बच्चों के, जेंट्स के, लेडीज़ के, मतलब हर चीज़ मिलती है सर्दियों से रिलेटेड। और शूज़ वगैरह भी मिलते हैं, 2-4 स्टॉल ही होती हैं वैसे शूज़ की, तो मोस्टली जो वुलन्स के कपड़े होते हैं उन्हीं की होती है।
तो इनके क्या होता है, कपड़ों के जो प्राइसेस होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, लेकिन कपड़े में जो क्वालिटी होती है वो मुझे मतलब बाहर के कपड़ों में बहुत कम देखने को मिली है। मैंने पहले भी एक दो बार कपड़े लिए हैं यहाँ से, तो बहुत ही सिंपल होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, गर्म होते हैं, बहुत क्वालिटी होती है इनके कपड़ों में। रेट आपको थोड़ा सा लगेगा कि बाहर से थोड़ा सा 150 रुपये ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी होती है इनके कपड़ों की, ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ। तो इस बार हमने डिसाइड किया कि चलो यहीं से लेते हैं। वैसे ज़्यादा वुलन्स वगैरह हम नहीं खरीदते हैं, क्योंकि वुलन्स का क्या होता है वो अभी 2 महीने ही पहने जाते हैं। तो अब की बार कुछ शादी वगैरह भी है, तो इसलिए हम ले रहे थे। हाँ तो उठाओ, तो ये एक स्वेटर थी जो जब मैंने देखी थी तो मुझे काफ़ी पसंद आई, और मैं उसको बोल रही थी कि फ़ोटो खींच के मुझे दिखाओ कि ये कैसी लग रही है। तो मुझे उतनी खास नहीं लगी जितनी ये वैसे देखने में लग रही थी, लेकिन वैसे काफ़ी सॉफ्ट थी, काफ़ी स्टाइलिश सी लग रही थी देखने के बाद, तो खुद पे मुझे अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों। और कई बार हो जाता है कि कोई चीज़ देखने में अच्छी लगती है, पहनने के बाद वो इतनी पसंद नहीं आती, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी खुद पे पहनने के बाद। उसके बाद हस्बैंड ले रहे थे यहाँ से शूज़। शूज़ की जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ ही स्टॉल होती है गिनती की, मतलब बहुत ज़्यादा शूज़ तो नहीं है, बट हाँ हर टाइप के शूज़ मिल जाते हैं, बच्चों के, बड़ों के, बाथरूम स्लीपर, ऑफिस वियर, स्पोर्ट्स शूज़, हर टाइप के मिल जाते हैं। तो यहाँ से शूज़ हमने फर्स्ट टाइम ही ख़रीदे हैं, रेट भी हमें रिजनेबल लगे और शूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। पहनने के बाद, देखने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं ये। और इस मार्केट का जो एरिया है वो हर साल फिक्स ही रहता है, और ये उस एरिया को चारों तरफ से टीन से बंद कर देते हैं, और बीच का एरिया ये जो आप देख रहे हैं बीच में टीन लगे हुए, आई थिंक ये रहने के लिए यूज़ करते हैं जब तक ये मार्केट लगाते हैं। और उसके जो चारों तरफ है ये इस तरीके से लेन बना देते हैं, 4 साइडेड। तो इनके पास जो कपड़े होते हैं वो मोस्टली सारी स्टॉल्स पे 80-70% मतलब लगभग सेम ही मिलते हैं, कलर अलग होंगे, थोड़ा बहुत वैरायटी या डिज़ाइंस वगैरह अलग होते हैं, अदरवाइज़ मोस्टली जो प्राइसेस होते हैं और जो डिज़ाइंस होते हैं वो सेम ही होते हैं इनके कपड़ों के। तो बस आज की शॉपिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट, हम तीनों के लिए हमने कपड़े ले लिए थे, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो अभी घर जा रहे हैं हम, और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था आज मार्केट में, तो बस अभी हम आ चुके हैं घर पे। तो घर आने के बाद यहाँ पे मैं जो शकरकंद होती है उसको भून रही हूँ। तो गांव वगैरह में तो क्या होता है, अगर चूल्हा वगैरह जलता है तो बाद में खाना बनने के बाद उसको जो अंगारी होती है आग की उसमें दबा देते हैं तो ये भून जाती हैं, लेकिन अभी यहाँ आसपास कोई ऐसा है नहीं, तो बस मैं इसको तवे पे ही भून रही हूँ। तो तवे पे मैंने इन सबको अरेंज कर दिया, और उसके ऊपर से मैंने ढक दिया था एक गीला कपड़ा, काफ़ी गीला था ये, मतलब अच्छे से मैंने इसका पानी सुखाया नहीं था। और उसके बाद मैं इस पर एक बड़ा सा बर्तन ढक दूँगी ताकि अंदर भाप बन जाए थोड़ी। तो ये जो शकरकंद है बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थी, तो इनको भुनने में 15 से 20 मिनट के अराउंड टाइम लगा था, बिल्कुल सेम गैस मैंने कर दी थी। और बीच बीच में मैं ये जो कपड़ा मैंने इस पर ढका था गीला करके वो 2-3 बार चेंज किया था ताकि वो जले ना, तो बीच बीच में चेंज करती रही थी मैं। और उसके साथ के साथ मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी चाय, तो अपने लिए ही बनानी है मुझे, हस्बैंड को पियेंगे ही नहीं। तो जब तक मैंने चाय वगैरह पी तो 10-15 मिनट में ये हो गई थी बिल्कुल, और ज़्यादा मोटी नहीं थी तो इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, अगर मोटी होती तो फिर और 5-7 मिनट इनको ज़्यादा लगते। तो बस मैं यहाँ पे इनको छील रही हूँ, और अभी गर्म है तो इनमें से आप देख सकते हैं कि भाप निकल रही है, और मुझे तो बहुत पसंद आती है खास सर्दियों के टाइम में, और मेरा कई दिनों से मन था खाने का, और मैं लेके इसलिए आई थी कि धूप में बैठ के खाऊंगी, मतलब छत पे बैठ के, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, आज मार्केट में ही इतना टाइम लग गया था। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनको तैयार, और इसमें मैं चाट मसाला, नमक और नींबू डालूँगी, और बहुत टेस्टी लगती है सच में।
जो लोग खाते हैं उनको पता ही होगा, मोस्टली सब लोग ही खाते हैं, सर्दियों की चीज़ है तो खानी भी बनती है। तो हम तीनों यहाँ पे बैठ गए थे इसको एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पे जब मैंने हम खा रहे थे तो मुझे लगा कि हितेश भी खा रहा है, लेकिन अभी मैंने एडिटिंग करते हुए देखा कि हितेश ने शायद एक ही या दो बाइट खाई होंगी, बाकी वो ड्रामे ही कर रहा है। बस वो क्या कर रहा है कि जो टूथपिक होती है उसमें सारी एक साथ लगा रहा है वन बाय वन, और उस टाइम वो मुझे बोल रहा था कि मम्मा मेरी जो स्टिक है उसमें ज़्यादा आ गई है, बस मैं उसको निकाल रही थी। और उसने दो तीन बार ऐसा किया, बट हम लोग बातों में इतने मस्त थे कि हमें पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। और अभी मैं जब इसको देख रही थी एडिट करते हुए कि ये क्या कर रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी सच में। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, उनको कुछ खाने को कहो तो उनके बस ड्रामे शुरू हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज है संडे और आज डेट है 1 दिसंबर, और आज हम लोग गए थे मार्केट में क्योंकि हमें ख़रीदने थे काफ़ी सारे कपड़े, क्योंकि घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली है जिसके लिए हमें शॉपिंग करनी थी आज। तो वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता लगेगा कि ये शॉपिंग हम क्यों कर रहे हैं। वैसे थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले बताया भी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे पता लगेगा, तो आप वीडियोस पे बने रहिए। और सुबह उठने के बाद बस घर में जो काम होता है नॉर्मली वो किया था, नाश्ता वगैरह बनाया, क्लीनिंग की थी, और उसके बाद नहा धो के हम चले गए थे मार्केट में। तो 11:30 बजे गए थे हम मार्केट में, और आते आते हमें बज गए थे 4, मतलब 4:30 घंटे हम मार्केट में रहे थे, तो बहुत थकावट भी हो गई थी। और दूसरा हल्का फुल्का हमने कुछ बाहर भी खा लिया था, और आके फिर मैंने अपनी लिए चाय बनाई क्योंकि और कोई नहीं आज घर पे जिसको चाय पीनी थी, हस्बैंड तो पीते नहीं है, तो बाकी सब गांव में गए हुए हैं, अभी वो आने ही वाले हैं। गए थे जाना तो हमें भी था, पापा बोल रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे काम थे आज पेंडिंग। क्या मतलब, मेन तो कपड़े भी खरीदने थे, शादी है, तो और भी कई सारी चीज़ें थी, कई काम थे जो हमने आज निपटाए हैं अपने, तो बस यही चीज़ें थी, तो हम लोग थोड़ा सा नहीं गए, बाकी सब लोग चले गए थे। वैसे तो घर अकेला छोड़ के तो हम कभी जाते नहीं है, कोई ना कोई एक बंदा रुकता ही रुकता, लेकिन अभी देवर चला गया, अगर हम लोग नहीं गए और हम लोग जाते तो वो रुक जाता। तो सुबह में लगाई थी मशीन, तो कपड़े मैंने फैला दिए हैं इधर उधर यहीं अंदर, क्योंकि 4 बजे हम आए थे और चाय वगैरह पी तो 4:30 बज गए थे, और तब छत पे जो कपड़े हम मैं फैला नहीं सकती थी क्योंकि 5 बजे तो फिर धूप चली जाती है, तो फिर वो रात को फिर दोबारा उसमें ऐसे हो जाते हैं, तो मैंने अंदर ही सुखा दिए, कोई ग्रिल पे है तो कोई यहाँ पे है, तो बस यही चीज़ें थी। और अभी बनाऊंगी खाना, ज़्यादा खाना नहीं बनाना है, तो बस दाल बनाऊंगी, थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी, तो यही खाना बनेगा आज। चावल और रायता पापर लेके आएंगे। आप लोगों से एक बात और बोलनी थी, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी मैंने आज शॉपिंग की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मुझे इस वीडियो को कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को मैं कर देती हूं यहीं पे एंड, क्योंकि अब मैं जाऊंगी खाना बनाने, तो वो मैं आप लोगों के साथ अभी फ़िलहाल शेयर नहीं करने वाली इस ब्लॉग में, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ें ही बना रही हूँ। और फिर तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं, वीडियो आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।